Here in this one, we are starting with the 13th part. It says, what is the role of epidermis in the plants? तो यार एपिडर्मिस का क्या रोल होता है प्लांट्स में कि आउटर कवरिंग है वो एक तरीके से पेरेन्काइमा जिसको हम बोलते हैं ठीक है पेरेन्काइमा इज द टिश्यू विच एक्ट्स एज एपिडर्मिस ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या रोल प्ले करता है वो प्लांट्स के अंदर। एक तो पहली बात वो प्रोटेक्शन देगा क्योंकि आउटर कवरिंग है ना एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज नथिंग बट द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट। तो एक तो वो प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट। तो एक पार्ट तो हो जाता है आपका प्रोटेक्शन। दूसरा क्या होता है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब इसी पार्ट से हमारा वाटर थोड़ा सा क्या होता है ट्रांसमिट आउट होता है आउटर सरफेस में से, चाहे वो लीव्स का एपिडर्मिस हो चाहे वो स्टेम्स का एपिडर्मिस हो या रूट्स का एपिडर्मिस हो। सो इट विल शो सम काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेटिंग स्टेशनरी एयर लेयर विद द हेल्प ऑफ हेयर। हेयर की हेल्प से वो क्या क्रिएट कर देते हैं एपिडर्मिस वहाँ पे आसपास एक स्टेशनरी इंसुलेटिंग एयर लेयर क्रिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। एक लेयर थी एक्ट कर रही है जो कि हेल्प करेगी प्लांट्स की प्रोटेक्शन। फोर्थ आता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज होना एपिडर्मिस की हेल्प से गैसेस भी चेंज हो सकती हैं दैट दे कैन इन टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे कैन गिव ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एपिडर्मिस।